हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आपका टेक्निकल सीवास यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप अपना सीवी रिज्यूम बना सकते हैं। जैसे कि आप कहीं भी ऑनलाइन पे जाते हो और वहाँ पे अपना सीवी रिज्यूम बनाते हैं और आपके मन मुताबिक आप सीवी रिज्यूम नहीं बनवा पाते वहाँ से, तो यहाँ से आप अपने मन मुताबिक सीवी रिज्यूम बना सकते हैं। मोबाइल से बना सकते हैं, 5 मिनट के अंदर भी बना सकते हैं और उसको आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। और जितनी भी ऑनलाइन जो जॉब होती हैं आप उनमें सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मांगते हैं ऑनलाइन जॉब में कि प्लीज़ सबमिट यूअर सीवी रिज्यूम। तो बेसिकली सबमिट रिज्यूम सीवी रिज्यूम होता क्या है वो मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो फ्रेंड चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेट गेट स्टार्टेड। देन फ्रेंड आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब कर लेने के देखिए फ्रेंड यहाँ से ऐसा आएगा तो आपको सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पे घंटी आ जाएगी तो आपको ऑल पे क्लिक कर देना है। हाँ फ्रेंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जो है आपको भविष्य में कभी भी न्यू वीडियो आएंगी तो उसका जो है नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप जो है अच्छे से वीडियो इन्जॉय कर पाएंगे और बहुत सारी यहाँ पर जो है अर्निंग से रिलेटेड वीडियो भी आती हैं। चलिए फटाफट वीडियो शुरू करें। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में आप जाने के बाद आपको रिज्यूम बिल्डर ऐप फ्री सीवी रिज्यूम आपको ऐसा टाइप कर देना है तो आपको यही ऐप डाउनलोड कर लेना है। ये ऐप डाउनलोड कर लेने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है एक प्रोफेशनल रिज्यूम बनाने के लिए। ठीक है फ्रेंड, अब हमें यहाँ पे कुछ मांग रहा है तो हमें ओके कर देना। अब यहाँ पे आ रहा है एंटर रिज्यूम नेम, तो हम यहाँ से जो है जॉब के लिए रिज्यूम बना रहे हैं तो जॉब रिज्यूम में हम यहाँ से लिख देते हैं। देखिए फ्रेंड अब बात आती है यहाँ पे नेम, तो हमने अपना नाम डाल दिया। एड्रेस की बारी आती है तो आपको कुछ भी यहाँ पे एड्रेस जो आपका एड्रेस है वो डाल देना है। मैं यहाँ से जो है रेंडमली कुछ भी डाल देता हूँ। आपको अच्छे से अपना पूरा एड्रेस डालना है। पूरा एड्रेस डालने के बाद जो है आपको अपनी जीमेल आईडी डालनी है और आपको यहाँ से जो है अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डाल देने के बाद आपको क्या करना है, मैं कोई भी एक वैसे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ और सेव कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड अब बात आती है यहाँ पे एकेडमिक, एकेडमिक के ऊपर आपको देखिए यहाँ से नीचे से सेकंड 2 नंबर लिखा है उस पर क्लिक करना है और प्लस वाले चिन्ह पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप कोर्स डिग्री है तो आपको कोर्स डिग्री आपने जो की है वो डाल सकते हैं आप। जैसे 12th में है तो 12th डाल दी हमने, और कॉलेज यूनिवर्सिटी तो GOVT, जैसे गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट HS डाल दिया अपन ने। देखिए फ्रेंड गवर्नमेंट स्कूल डाल गया। अब परसेंटेज है तो आपकी 12th में कितनी परसेंटेज थी तो वो आप यहाँ से डाल सकते हैं, और ग्रेजुएट हैं के पार्सिंग चल रही तो पार्सिंग डाल सकते हैं। उसके बाद सेव कर सकते हो। प्लस के चिन्ह पर यदि आपने कॉलेज की है तो जैसे कि मेरा BSc है, BSc CS है तो मैं यहाँ से डाल सकता हूँ। कॉलेज यूनिवर्सिटी नेम डाल सकते हैं आप जो भी आपका हो, और यहाँ से जो है परसेंटेज डाल सकते हैं कितनी परसेंटेज थी, तो परसेंटेज डालने के बाद पार्सिंग कर सकते हैं आप यहाँ से, तो सेव कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर का काम हो गया। अब फ्रेंड आता है यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर क्लिक करना है। प्लस के चिन्ह पर आपको क्लिक करना है। अब ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आपको क्लिक करना है तो आपका जो वर्क एक्सपीरियंस वो आप लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डे टू डे अकाउंटिंग। देखिए फ्रेंड मैंने यहाँ पे कुछ भी डाल दिया, मतलब अकाउंटिंग, और आपको ऐसे ही डालना है। और डिसाइजेशन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको अपनी स्किल वगैरह ऐड कर देनी है। और यहाँ पे जो है करंट एम्प्लॉय पे आपको क्लिक कर देना है। तो डिसाइजेशन में आपको फ्रेंड डाल देना जो आप कर रहे हैं, जैसे BSc में CS कर रहा हूँ तो वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अब करंट एम्प्लॉय या प्रीवियस एम्प्लॉय आपको इस पर जो है ड्यूरेशन डाल देना है, तो आप कब से कब तक जो है आपने पढ़ाई की वो आपको डाल देना है। जैसे कुछ भी मैं यहाँ पे रेंडमली सिलेक्ट कर देता हूँ तो प्रीवियस एम्प्लॉय जो है मैं यहाँ से 19 ही कर देता हूँ। तो इस प्रकार से जो है रोल आप डाल सकते हैं कि आप क्या रोल कर रहे हो, तो स्टूडेंट है जैसे तो हम स्टूडेंट डाल देते हैं, और यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर दिया। अब ये आता है चौथा प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट के ऊपर आपको क्लिक नहीं करना है, इसकी ज़रूरी नहीं रहती। और FAQ की भी कोई ज़रूरी FAQ, हाँ FOI मतलब 5 नंबर पे आपको क्लिक करना है, और फील्ड एंड इंटरेस्ट जो भी आपकी फील्ड इंटरेस्ट हो वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। तो देखिए फ्रेंड जो आपकी फील्ड में इंटरेस्ट हो वो आपको डाल देना है। जैसे कंप्यूटर में यहाँ पे डाल देता हूँ कंप्यूटर,
और यहाँ पे सर आपको यदि आप चाहो तो एक और ऐड कर सकते हो यहाँ पे, जो भी आपका इंटरेस्ट हो। तो मैं यहाँ फ़िलहाल अभी एक ही रहने देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, कंप्यूटर इस प्रकार से, और स्किल आप स्किल जो भी है आप वो डाल सकते हो अपनी स्किल, तो जो भी आपके पास स्किल हो वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड, आपको क्या करना है, यहाँ से जो है डाल देना है, जैसे अगर आप एडवांस लेवल के हो तो एडवांस नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, चलिए मैं यहाँ पे लिख दूँ। तो देन फ्रेंड देखिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है, स्ट्रेंथ में मैंने डाल दिया है, और यहाँ पे देखिए स्किल सबसे पहले ऊपर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में मैंने कंप्यूटर डाल दिया, स्किल में एडवांस नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, और मेक न्यू फ्रेंड, आई एम ऑनेस्ट पर्सन। इस प्रकार से आपको जो भी अच्छा लगता हो अपने बारे में वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। और यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है हार्ड वर्क एंड एगर टू लर्निंग, और स्मार्ट वर्क डाल सकते हैं आप। और हॉबीज में जो आपको पसंद है, जैसे प्ले क्रिकेट, गेमिंग है, और टीवी वगैरह, लिसनिंग टू म्यूजिक ETC, और आपको यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको जो है यहाँ पे रेफरेंस के ऊपर नहीं, फ़ोटो एंड साइन के ऊपर 8वें नंबर पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जो है अलाउ परमिशन है, तो आपको इसे अलाउ कर देना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे जो है अपनी फ़ोटो एक सेलेक्ट कर देनी है, मैं फ़ोटो नहीं डालने वाला, तो आपको फ़ोटो सेलेक्ट कर देनी है, और आपको यहाँ से जो है अपने सिग्नेचर करके सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव कर दोगे, उसके बाद आपको 9वें नंबर पर नहीं जाना है, और आपको जो है यहाँ से कुछ भी नहीं करना है। अब आपको करना है व्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, जनरेट के, सॉरी फ्रेंड, आपको जनरेट के ऊपर क्लिक कर देना है, और ऊपर आ रहा है, देख सकते हैं आप, यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ से ऊपर आ रहा है क्लासिक फॉर्मेट ये, तो आपको इस पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर दोगे, तो आपको मैं बता रहा हूँ कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा। तो ये जो आपको दिख रहा है, मैं दिखा दे रहा हूँ, ये फंक्शनल फैशनल रिज्यूम वन, ये इस पर आपको जनरेट के ऊपर क्लिक कर देना है, और जनरेट रिज्यूम के ऊपर क्लिक कर देना है, और देख सकते हैं आप अपना रिज्यूम किस प्रकार से बन गया है। चलिए हम ऐड को कट कर देते हैं, आपको बताते हैं कि जो है हमारा रिज्यूम कैसा बन गया है। तो जो अब रिज्यूम ये रहा हमारा, देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ से जो है कितना बेस्ट तरीके से जो है हमारा रिज्यूम बन, देखिए यहाँ पे ऊपर नाम लिखा रहा है, जीमेल आईडी नंबर, और जो भी हमने किया है वो पार्सिंग लिखा रहा है, डे टू डे अकाउंटिंग BSC, और आप यहाँ से और भी स्किल ऐड कर सकते हैं जी फ्रेंड। देखिए अपने हिसाब का आप यहाँ पे जो है हमारे सिग्नेचर आ रहे हैं, और ऊपर देखिए यहाँ पे हमारा एड्रेस लिखाएगा, तो कितना बेस्ट रिज्यूम है, और देख सकते हैं आपके बहुत ही बेस्ट है। तो आप अपने मन मुताबिक यहाँ से रिज्यूम बना सकते हैं, आप चाहें तो इस फॉर्मेट को भी चेंज कर सकते हैं, दूसरे फॉर्मेट को भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड अब आपकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी रिज्यूम बनाने की जो है प्रोसेस आप समझ गए होंगे, और आपको कभी भी रिज्यूम बनाने में लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपना रिज्यूम बना सकते हैं यहाँ से, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। यदि लिंक नहीं मिलती डिस्क्रिप्शन में, तो आप प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करके जो है रिज्यूम बना सकते हैं। चलिए गुड बाय फ्रेंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।